हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है सेमेस्टर टू का आज होने वाला जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, CC5 का जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, इसके बारे में बताया जाने वाला है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो एग्ज़ाम दे करके आए उन लोगों के लिए भी और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी, ठीक है। आपको जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आया, ठीक है, क्या फॉर्मेट था, और जो दे करके आ गए हैं, ठीक है, उन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें से आंसर होने वाला है, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्या आप लोग सही बनाए कि नहीं, ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको इसमें से पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका हम लोगों ने बताया था कि 3 घंटा करेगा, ठीक है, हम लोगों को लग भी रहा था कि ये 3 घंटा करेगा, ठीक है, लेकिन जैसा कि वीवीओ का सिस्टम खराब है हमेशा भी, ठीक है, और अभी भी खराब चलते आ रहा है, तो वो जो है ना 1.5 घंटा का इसको कर दिया, ठीक है। हम लोगों को लगा था कि ये 3 घंटा करेगा, लेकिन 1.5 घंटा का इसको एग्जाम कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बात करें, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि ये 75 नंबर का रहेगा, कितना 75 नंबर का रहेगा, इस क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है, इसमें 25 या 75 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेगा तो लिखा हुआ लेट पी क्यू बी पैरामीटर्स, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट से पूछा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट आपका कथन था, ठीक है, कि सही है कि गलत है इसमें आपको पूछा गया था, ठीक है, तो ये कथन वाला से था, यूनिट 1 से था, ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या था इसके बारे में आपको पूछा गया, ठीक है, तो ये भी देख लेना आपको। मैं क्वेश्चन आपको, ये मेन मकसद आपका है कि मेरा मेन मकसद ये है ना कि क्वेश्चन आपको बता देना, ठीक है, ताकि आगे वाला जो इसका एग्जाम है जिनका, उन लोग ये पैटर्न को देख ले, ठीक है, उन लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरह का पैटर्न जो है अगला एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। पहला आपका स्टेटमेंट से हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरा की बात करें, देखिए दूसरा में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इसमें से सही और गलत कौन सा ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आप भी आपको दिया हुआ ABCD, इसमें से जो गलत है उसमें आपको बता देना है कि ये गलत है, ठीक है, टिकआउट कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बता देना है, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, जैसे जैसे गलत है वैसे आपको बता देना है, ठीक है। आगे अगर हम 4 की बात करें, 4 देखिए 4 में भी लिखा हुआ है 2n, और यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन n लिखा हुआ है फॉर ऑल, ठीक है, इसमें से क्या सही है और क्या गलत है इसमें से आपको बता देना है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है कि रियल नंबर है कि पॉजिटिव इंटेजर है, जो आपको ये बता देना है, ठीक है। आगे देखिए अगर 5 की बात करें, लिखा हुआ है इफ n इज अ नेचुरल नंबर, कि n अगर नेचुरल नंबर है देन द नंबर 7n-3n इज डिविजिबल बाय, ठीक है, तो ये किससे विजिबल होगा, डिविजिबल किससे होगा, ठीक है, तो ये आपको बता देना है कि 2 से कटेगा ये कि 3 से कटेगा, किससे कटेगा, सो बात आपको बता देना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फिलर्स ये भरना है इसमें, ठीक है, कि इसमें से क्या आएगा, इफ ए बराबर इतना है तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इज पावर कितना होगा, ठीक है, तो ए का पावर कितना होगा ये आपको बता देना है, ठीक है। आगे अगर 7 की बात करें, देखिए 7 में क्या लिखा हुआ है, 7 में भी आपको क्या दिया, इनकरेक्ट दिया हुआ, ठीक है, इनकरेक्ट को चुनना है कि गलत इसमें से कौन सा कथन कौन सा गलत है ये आपको चुनना था, ठीक है। देखिए यूनिट 1 से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आया, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बिनेरी के बारे में बताया था, बिनेरी सिस्टम के बारे में बताया था, वो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें देखना है कि 10 का जो डेसिमल नंबर है वो बिनेरी में क्या होगा, ठीक है, तो ये आपको बता देना है, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, द बिनेरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 56 इज, 56 का ऑक्टल नंबर क्या होगा, ठीक है, इसमें से आपको बता देना है। आगे देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या पूछा हुआ, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, इसका भी पूछा हुआ, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, आपको पूछा है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका क्या होगा, ठीक है, तो ये आपको बता देना है, ठीक है। आगे अगर 11 की बात करें, 11 में भी आपको अल्फा बीटा वाला दिया हुआ, ठीक है, रूट वाला दिया हुआ, रूट्स वाला दिया हुआ, ठीक है, तो ये भी आपको बीसी सेंटर के चैनल पर करवा दिया गया था, ठीक है, तो ये देखिए इसमें से जो आपका आंसर होगा उसको बता देना है, ठीक है। देखिए अभी तो आपको बस क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन इसलिए दिखाया जा रहा ना क्योंकि इसको जो है ना बढ़िया से समझ करके इसका आंसर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो सही करके आया गलत करके आया वो आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। और अभी का मेन मकसद यही है कि आगे वाला जो स्टूडेंट है उन लोग को पता चल सके बढ़िया से कि क्या आने वाला है, किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, सो ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा एंड वाई आर द रूट्स, फिर से इसमें पूछ दिया आपको रूट से, ठीक है, अल्फा बीटा पूछ दिया, रूट पूछ दिया, ठीक है, इसमें भी आपको बता देना कि क्या इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा ये, ठीक है। आगे अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 में इक्वेशन हुज रूट्स आर डिसेबल, ठीक है, तो यहाँ पर भी रूट से आपको दिया हुआ, ठीक है, इसमें से आपको यहाँ पे देखिए कुछ समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, देखिए लिखा हुआ है द रिमाइंडर वेन, रिमाइंडर यहाँ पे बात करना है, ठीक है, कि ये किससे कटेगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे समीकरण आपको दिया हुआ इसको हम लोग करेंगे तो ये किससे कटेगा, क्या आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है।
देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में आपका लिखा हुआ अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया हुआ, उसका रूट क्या होगा या रियल रूट क्या होगा, आंसर क्या होगा उसका, तो आंसर आपको बता देना है, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका मोस्ट एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ द मोड ऑफ 1, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, इसका मोड बताना, ठीक है। इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड आपको बता देना, ठीक है। कि मोड में आपको क्या बताए थे कि जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी को क्या कर देना, बहुलक मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन भरा है, कौन है, वन आया, ठीक है। तो वन आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए अगर 17 की बात करें 17 में क्या लिखा हुआ द मीन ऑफ इंटीजर x such that x square is equal to 1 is, ठीक है। देखिए यहाँ इंटीजर पूछा हुआ, क्या लिख पूछा हुआ है, इंटीजर पूछा हुआ, और x का जो है ना x का वैल्यू पूछा हुआ, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बता देना आपको, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना आपको पाई चार्ट से पूछा गया, ठीक है। तो पाई चार्ट आपको बताया नहीं गया था, लेकिन मैं फिर ये देखिए ये पाई चार्ट से क्वेश्चन है, तो हो सकता है तो आज या तो कल आज आपको क्वेश्चन ये बता दिया जाएगा, जो आने वाले स्टूडेंट का एग्जाम है उन लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इफ अ डाइस इज थ्रोन इज इक्वल टू, देखिए बोल रहा है यह प्रोबेबिलिटी से आ गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जानते हैं ना, परेक्ता, परेक्ता से आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और परेक्ता से क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल सेम सारा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए दिक्कत होगा ना जो थोड़ा सा आर्ट्स पढ़े हैं ना, आर्ट्स से 12th किए थे, उन लोगों के लिए दिक्कत होने वाला है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो लोग बढ़िया से तैयारी किए होंगे तो लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देखिए लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्पेस इज इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल स्टेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, तो ये जो होगा इसका आंसर आपको बता देना, ठीक है। मैं आप वैसे भी आंसर मैं अपलोड करूंगा कुछ देर में, ठीक है। तब तक मैं इसको खाली क्वेश्चन बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, देखिए यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का पूछा हुआ, ठीक है। मतलब पर्याप्तता का क्वेश्चन आपका बहुत सारा आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या दिया हुआ, कार्टेशियन दिया हुआ, कार्टेशियन ये सब आपको बताया गया था, स्पेसिकुलर पोलर बताया गया था, ये सब बताया गया था, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन आपका आया हुआ, ठीक है। तो ये सब भी आपको देख लेना है कि कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सबको बताना, ठीक है। फिर आगे एक और जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भी आपको कार्टेशियन से पूछा गया, ठीक है। इसमें भी देख लेना कि कौन सा आंसर होगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, स्फेरिकल पोलर, ठीक है। पोलर सिस्टम ये जो था यूनिट 5 से था, ठीक है। यूनिट 5 से मैं कुछ क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है आपका यूनिट 5 से ही है, तो इसमें भी आपको बता देना है कि क्या आपका आंसर होगा, सो ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो ये भी आपका क्या है, सिलेंडर कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। ये भी आपका लास्ट वाला है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से भी आपको बता देना कि किस प्रकार का इसका क्वेश्चन होगा, कैसे इसका आंसर होगा, सो ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका जो था, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है, और अगले जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलें कि हाँ सर मुझे इसका आंसर चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।